Good morning, everybody. Today's class is English Grammar, Class 8th, Part 1. Today we'll talk about nouns. Noun kya hote hain? A noun is a naming word. Kisi bhi cheez ka agar name dete hain, to us shabd ko noun kehte hain. Naam kai cheezon ka ho sakta hai. Words used to name persons, places, things, processes, animals, living beings, feelings, etc. are termed as nouns. हमें सबको पता है कि लोगों का नाम, जगहों का नाम, चीज़ों का नाम या feelings के नाम को nouns कहते हैं. इसमें एक चीज़ और जुड़ी है इस बार, processes. किसी तरह की process हो उसका नाम भी noun कहलाता है. हम सबको ये noun अच्छे से आता है. It's just a revision and a reminder for you. Let us read a paragraph. Mrs. Chopra, my next door neighbor, happens to be very quarrelsome lady. Mrs. Chopra, जो मेरी पड़ोसी हैं, बहुत लड़ाकू स्वभाव की महिला हैं. Often she picks a quarrel with any of my other neighbors. अक्सर वो मेरे दूसरे पड़ोसियों के साथ झगड़ा करती हैं. Just a few days ago, I witnessed a noisy quarrel between her and another neighbor in the street by my house. कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने देखा कि वह सड़क के पार वाली पड़ोसी से झगड़ा कर रही थी. इट ऑल स्टार्टेड विथ अ पेटी इशू. ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी बात पर. अ बॉय वॉज प्लेइंग विथ अ बॉल एंड बाय चांस द बॉल गॉट हिट टूवर्ड्स मिसेस चोपड़ाज हाउस एंड ब्रोक हर विंडो पेन. एक लड़का एक बॉल से खेल रहा था और गलती से वह बॉल मिसेस चोपड़ा के घर की खिड़की पर पड़ी और वह टूट गई. Mrs. Chopra came out of her house fuming and without showing any sign of mercy began to trash the poor boy who started crying at the top of his voice. Mrs. Chopra गुस्से में बाहर आई और बिना दया दिखाए उस छोटे से लड़के पर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी. वह बच्चा रोने लगा तेज आवाज पे. Hearing the cries of the boy, his mother came running. अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बाहर दौड़ते हुए आई. द टू फ्यूरियस वुमेन स्टार्टेड टू क्वारल नॉइजीली. दोनों गुस्से में थी औरतें और दोनों जोर से झगड़ा करने लग गईं. वेरी सून देयर हस्बैंड्स ऑल्सो पिच्ड इन. जल्दी ही उन दोनों के पति भी आ गए और वो लोग भी झगड़ा करने लग गए. हाउएवर इंस्टेड ऑफ एडिंग फ्यूल टू द फायर दे ट्राइड हार्ड टू पेसिफाई द वुमेन. पर उन्होंने झगड़ा बढ़ाने की बजाय दोनों औरतों को शांत करना शुरू किया. Thus, after some time, the quarrel, thankfully, came to an end. और धीरे धीरे झगड़ा खत्म हो गया. But the quarrelsome nature of Mrs. Chopra had further been established. लेकिन इस सब से मिसेस चोपड़ा का झगड़ालू नेचर जो था वह और पक्का हो गया. अब देखिए इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, वो सब नाउन हैं. जैसे कि मिसेस चोपड़ा, नेबर, लेडी, बॉय, मदर, वुमन एंड हस्बैंड्स. ये सब किसके लिए यूज़ करे गए? लोगों के लिए. स्ट्रीट एंड हाउस क्या चीज़ है? प्लेस, जगह है. बॉल, विंडो पेन, ये सब क्या है? चीज़ें हैं. वॉइस, क्वारल, क्राइज, ये सब एब्स्ट्रैक्शन है. एब्स्ट्रैक्शन नाउन हम आगे देखेंगे, जिस जो इमोशंस होते हैं. फ्यूल एंड फायर मैटर है. मटेरियल नाउन आगे देखेंगे अपन. डेज एंड एंड ये टाइम के बारे में है. टॉप लेवल मतलब पोजीशन के बारे में है. इश्यू, चांस, साइन, मर्सी, नेचर ये सब फीलिंग्स के बारे में है या कॉन्सेप्ट्स है. अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन को हम बेसिकली पांच टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है जब स्पेशल आप किसी को नाम देते हैं, चाहे वो प्लेस हो, एनिमल हो, पर्सन हो या थिंग हो. एग्जांपल देखिए, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, प्लेस है पोलैंड, आसाम. थिंग का स्पेशल नाम हो सकता है चेयर, टेबल एक्सेट्रा. कॉमन नाउन क्या है? अ नाउन विच इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग ऑफ सेम काइंड. मतलब एक ही तरह के
अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है, जैसे ए पर्सन्स में हो जाएगा कॉमन नाउन मदर वुमन, प्लेसेस में हो गया कॉमन नाउन लाइब्रेरी स्कूल हॉस्पिटल, थिंग्स में हो गया मग गन फ्लावर, एनिमल्स में हो गया एंट लायन स्नेक, प्रोफेशंस का हो गया इंजीनियर नर्सेस, ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एनिमल्स और थिंग्स, जैसे कोई कलेक्शन हो किसी भी चीज़ों का, उसे एक यूनिट मानते हैं और एक टर्म देते हैं, उस टर्म को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी हो गया कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, पीपल हो गया कलेक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन, फ्लॉक हो गया कलेक्शन ऑफ शीप, बंच हो गया कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स या स्टिक्स, क्रू हो गया कलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स, ज्यूरी हो गया कलेक्शन ऑफ पीपल इन कोर्ट, हर्ड हो गया कलेक्शन ऑफ कैटल, टीम हो गया कलेक्शन ऑफ प्लेयर, क्राउड हो गया कलेक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन, स्वार्म है कलेक्शन ऑफ बीज। इन सब को वन यूनिट मानेंगे, एन आर्मी, क्योंकि है तो बहुत सारे लोग लेकिन इसको पूरे कलेक्शन को एक यूनिट मानते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो होता है अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, चीज़ें जिस चीज़ से बनती हैं उस चीज़ को का नाम मटेरियल नाउन होता है, जैसे ऑयल शुगर वुड वाटर एक्सेट्रा। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच बट कैन फील, वर्ड्स जैसे सिंसियरिटी डिटर्मिनेशन डिनायल स्वीटनेस सरप्राइज इफेक्टिवनेस, इसको आप महसूस तो कर सकते हैं पर ना आप देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं, ये नाम है इमोशंस के। नाउ लेट्स लुक इनटू सम एक्सरसाइजेस गिवन इन योर बुक। ऑन पेज नंबर 97 देयर इज अ एक्सरसाइज C1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आइडेंटिफाई नाउन्स इन इट एंड वी विल आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑल्सो। I have done this, I have solved this exercise for you. Let us read it. India is a wonderful land. India is a noun, land is a noun. Its area is vast, area is a noun. Its heterogeneous population and geographical conditions are bewildering. Population and conditions are noun. All the known faiths of the world exist here. Faiths and world are noun. People are different in terms of religion, language, dress, tradition, customs and so on. यहाँ पे noun क्या क्या है? People, religion, language, dress, tradition, customs. There is no other country in the world where there are so many diversities. But the amazing fact is that notwithstanding the diversities, there is something that keeps the large population of this country as one. Country, world, diversities, fact, diversities again, population, country. ये सब क्या है? Noun है. It is perhaps nothing but the deep-rooted feeling of love for the countrymen in the hearts of the people. Feeling, love, countrymen, hearts, people. ये सब noun है. This noble feeling is the main cause of oneness of our people despite many disparities. Feeling, cause, oneness, people, disparity. ये सब noun है. इसमें कुछ noun repeat हो रहे हैं तो जब हम नीचे table बनाएंगे types of noun के तो उसमें repetition नहीं लिखेंगे. Proper noun एक ही आया है इसमें, India. Common noun है land, area, world, language, dress, tradition, कस्टम कंट्री हार्ट. कलेक्टिव नाउन है पॉपुलेशन पीपल कंट्रीमैन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कंडीशन फेथ्स रिलीजन डाइवर्सिटी फैक्ट फीलिंग लव कॉज वननेस डिस्पैरिटीज. नाउ लुक इनटू द सेकंड एक्सरसाइज. Rewrite the following paragraph using appropriate noun form of each of the words given in the bracket. अब इस एक्सरसाइज में ब्रैकेट में कुछ वर्ड दे रखे हैं, इससे अप्रोप्रिएट नाउन बनाइए.
अब ये वर्ड्स वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। इनका सही फॉर्म जो पैराग्राफ में सेंस बनाता है वैसा वर्ड बनाइए। एक इन्होंने सॉल्व करके रखा है प्रॉब्लम्स, लेट अस सी टू द सॉल्यूशन की। वर्ड है प्रॉब्लमैटिक, इससे नाउन क्या बना है? प्रॉब्लम। रिसर्चिंग वर्ड है तो नाउन क्या हो गया? रिसर्चर। एक्सीडेंटल नाउन है एक्सीडेंट्स। ट्रैकिंग नाउन है ट्रैक्स। मंथली मंथ्स। बिहेव बिहेवियर। सिस्टमैटिक सिस्टम। इम्पैक्टिंग इम्पैक्ट्स। इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट। अब इससे उल्टे भी एक्सरसाइज आ सकती है, जिसमें कि आपको नाउन गिवन दे रखा हो और उससे आपको वर्ब या एडजेक्टिव बनाना हो, बनाया जा सकता है। नाउ लेट अस लुक इट टू द सॉल्व्ड पैराग्राफ। वन ऑफ द फर्स्ट सोशल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व करा हुआ है। द रिसर्चर टैकल्ड वॉज एक्सीडेंट्स ऑन द ट्रेन ट्रैक्स। थ्रू 6 months ऑफ रिसर्च ही ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑन द ट्रैक्स। अकॉर्डिंग टू हिम वार्निंग सिस्टम्स वर नॉट मेकिंग एनी इम्पैक्ट्स, सो देयर वॉज अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द विजिलेंस सिस्टम। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द पैसेज गिवन बिलो। इट कंटेन्स द वर्ड ऑफ प्रेज जवाहरलाल नेहरू हैड फॉर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जवाहरलाल नेहरू सेड ही वॉज अ पिक्यूलियर एंड वेरी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन अ हाई डिग्री ऑफ द ग्रेट कंपोजिट कल्चर विच हैड ग्रेजुअली ग्रोन इन इंडिया। आई डू नॉट मीन टू से दैट एवरीबडी हैज़ टू बी लाइक मौलाना आज़ाद टू रिप्रजेंट दैट कंपोजिट कल्चर। देयर आर मैनी रिप्रजेंटेटिव ऑफ इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट ही इन हिज ओन वेन्यू हियर इन डेली और इन बंगाल और कलकत्ता, वेयर ही स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, रिप्रजेंटेड दिस सिंथेसिस ऑफ वेरियस कल्चर्स विच हैव कम वन आफ्टर अनदर टू इंडिया। रिवर्स दैट फ्लोड इन एंड लॉस्ट देमसेल्व्स इन द ओशन ऑफ इंडियन लाइफ। इंडियाज ह्यूमैनिटी अफेक्टिंग दैम, चेंजिंग दैम एंड बीइंग चेंज्ड देमसेल्व्स बाय दैम। आइडेंटिफाई नाउन्स अपियरिंग इन दिस पैसेज एंड प्लेस दैम अंडर द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल प्रोवाइडेड। आपको इसमें से नाउन ढूंढने हैं और वो कैटेगरी में लिखने हैं। इसमें से कॉमन नाउन है रिप्रेजेंटेटिव, पार्ट्स वेन्यू, रिवर्स ओशन। प्रॉपर नाउन है जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, मौलाना आज़ाद, दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डिग्री, कल्चर, लाइफ, सिंथेसिस, ह्यूमैनिटी। दिस कंप्लीट आवर फर्स्ट पोर्शन। इन द नेक्स्ट क्लास वील टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट इन द नाउन।